हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आरएसबी टेक इन्फो यूट्यूब चैनल में मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टैट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है और साथ में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना होगा और यदि आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल था तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल यानी कि आरएसबी टेक इन्फो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश टैट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। डियर फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से दोनों से फिल अप कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे किसी भी ब्राउजर को ओपन करके गूगल को ओपन करना है और गूगल के सर्च टैब में सिंपली एचपी बॉस टाइप करके सर्च कर देना है। डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने रिजल्ट में सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आएगा वेलकम टू एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक करें। फ्रेंड्स, आप सबकी सुविधा के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक बना के दे दिया है, आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके भी यहां तक रीच आउट हो सकते हो। फ्रेंड्स, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ इस तरह से पहुंच जाओगे। अब आपको सिंपली इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है यानी कि टैट जून 2019। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे सम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैंडिडेट को और ये इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से रीड आउट कर लें। इसको रीड आउट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करें। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, इसमें आपको अपनी जो डिटेल है वो एंटर करनी होगी। फ्रेंड्स, यहां पे आप अपना आधार नंबर एंटर करें। उसका अगला जो ऑप्शन रहेगा सब्जेक्ट, यानी कि आप किस सब्जेक्ट के लिए टैट देना चाहते हो, जो भी स्ट्रीम आपने चूज करना चाहते हो वो आप यहां से चूज कर सकते हो। यहां पे सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम आज के लिए जेबीटी का ले लेते हैं तो हम जेबीटी चूज कर रहे हैं। आपके केस में जो भी होगा आप यहां से चूज कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, अगला जो ऑप्शन रहेगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको यहां पे कैंडिडेट का नेम फिलअप करना है। उसके बाद आपको कैंडिडेट के फादर का नेम यहां पे एंटर करना होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन जो रहेगा मदर नेम, यहां पे आपको कैंडिडेट की माताजी का नाम एंटर करना होगा। यहां पे आपको कैटेगरी चूज करनी होगी, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप उसे चूज कर लीजिए। उसके बाद अगला जो ऑप्शन रहेगा वो सब कैटेगरी का रहेगा, यानी कि आपको सब कैटेगरी यहां पे चूज करनी है। आपके केस में जो भी कैटेगरीज होंगी वो आप यहां से चूज कर सकते हो, हमारे केस में नन है तो हम यहां पे चूज नहीं करेंगे। और उसके बाद आपको यहां पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहां पे अपना ईमेल आईडी देना है। उसके बाद आपको यहां पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है।
डाटा जो है बहुत अच्छे से फिलअप करना है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए बाद में, और हो सके तो ये जो डाटा आपने फिल करना है वो मैट्रिक, जो कैंडिडेट की मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वहां से मैच करके ही फिलअप करना है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपको मेल है या फीमेल है वो चूज करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये बोल रहा है, हैव यू पास द प्रिस्क्राइब एग्जामिनेशन फॉर द सीटिंग ऑफ टैट अपेयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि आपने जो फाइनल एग्जाम है उसमें आप अपीयर हो या आप पास हो। यदि आपने फॉर एग्जाम्पल यदि आपने जेपीटी का एग्जाम क्लियर कर दिया है तो आप पास लिखोगे, और यदि आप अभी अपेयरिंग हो यानी कि अभी आपने जस्ट एग्जाम ही दिए हैं तो आप उसमें अपेयरिंग लिखोगे। हमारे केस में कैंडिडेट पास है तो हम पास लिख रहे हैं। और उसका अगला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपको अपना नेशनलिटी चूज करनी है, तो इसमें 100% इंडियंस ही आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा, उसके बाद अगला जो ऑप्शन रहेगा वो पिन कोड आपको एंटर करना है। और उसके बाद यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज बिलो कर दीजिए। ये करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली जो एड्रेस है वो नीचे आ जाएगा। अब आपको अगला काम क्या करना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपको अगला जो ऑप्शंस करना है वो सब डिवीजन आपको चूज करना है, जो भी आपका सब डिवीजन्स है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगला जो ऑप्शंस रहेगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से बोनाफाइड हो आपको वो चूज करना है। और अगला जो ऑप्शंस है वो आपको यहां पे आप किस डिस्ट्रिक्ट में अपना एग्जाम देना चाहते हो, मोस्टली आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उसी डिस्ट्रिक्ट को चूज करें, हम मंडी कर रहे हैं। उसके बाद आपको सब डिवीजन चूज करना है, यानी कि आपकी जो तहसील है या नियर बाय जो भी एरिया यहाँ पे मेंशन है वो आप करिए। मोस्टली यहाँ पे तहसील ही आएगी तो आप तहसील चूज कर सकते हो। उसके बाद सबमिट करने से पहले अपना डाटा जो है वो एक बार जरूर चेक कर लें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये चेकआउट करने के बाद आप सिंपली सेव पे क्लिक करें। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस आएगा। ये जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको कॉपी करके रखना है, और हो सके तो इसका स्नैपशॉट भी ले लीजिए आप, और उसके आप यहां से प्रिंटआउट भी ले सकते हो यदि आप प्रिंटआउट लेना चाहते हो। और उसके बाद आप सिंपली यहां पे दोबारा क्लिक करें। यहां पे दोबारा क्लिक करने के बाद यहां पे क्लिक करें और सिंपली साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पे एंटर करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहां पे आपको ये जो कैप्चा यहां पे दिख रहा है वो यहां पे एंटर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और सिंपली यहां से लॉगिन कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने सारे के सारे ऑप्शंस दोबारा से आ जाएंगे। आप यहां से अपने ऑप्शंस को क्लिक करके चेक भी कर सकते हो, यदि आपने कहीं भी कोई गलती करी है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको करेक्ट करना है तो सिंपली आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो भी डाटा है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप सिंपली बैक करें। अगर यदि आपका डाटा सही है
उसके बाद आपको अगला जो काम करना है वो है आपको फोटो और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा फोटो का जो साइज रहेगा वो 15 KB से लेके 20 KB के बीच रहेगा और सिग्नेचर का जो साइज रहेगा वो मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 15 KB के बीच रहना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको फोटो और सिग्नेचर का साइज रिड्यूस करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप वीडियो में कमेंट करें, मैं इससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप बड़ी आसानी से अपने फोटो और सिग्नेचर का साइज भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो रहेगा कि हमने फोटो अपलोड करना है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे फोटो का साइज बना के रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये करें। फ्रेंड्स, यदि इस तरह से लॉग आउट हो जाए तो आप दोबारा से लॉग इन कर सकते हो, साइन इन कर लें, यहां पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल लें, डेट ऑफ बर्थ, सिंपली लॉग इन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, हमने अपना डाटा तो ऑलरेडी यही कर लिया था, अब हम अपने जो है फोटो अपलोड करने वाले हैं। यहां पे क्लिक करें, फोटो पे क्लिक करें और सिंपली अपलोड फोटो कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो फोटो है वो इजीली अपलोड हो गया है। अब हम सिग्नेचर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और सिंपली अपलोड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख रहे हो, यदि आपका फोटो यहाँ पे आ जाते हैं तो दैट मीन्स आपके फोटो जो है साइज सही था और वो सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे ओके का बटन दबाएं। जैसे ही आप ओके का बटन दबाओगे आपके सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है कि आपको पेमेंट करने से पहले एक बार अपना जो आपने डाटा किया हुआ फिल किया है उसे वेरीफाई करना है, और वेरीफाई कर जैसे ही यदि आपको लगे कि आपका डाटा वेरीफाई है उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेमेंट के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो दोबारा से आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपकी कैटेगरी और एक्चुअल में आपको फीस कितनी पे करनी है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सब कुछ होने के बाद यदि आप अपना डाटा वेरीफाई कर लेते हो तो तभी आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, यदि आप एक बार ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपका जो करेक्शंस होगी वो 28 या 29 तारीख को ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो एक बार डाटा जरूर चेक कर लें फिर ही पेमेंट ऑप्शंस पे जाएं। फ्रेंड्स, आप जो पेमेंट कर सकते हो वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो अपने आप अदर बैंक से भी कर सकते हो यहां से। ठीक है फ्रेंड्स, ये चार्जेस रहेंगे कि आप किस बैंक से पेमेंट कर रहे हो, जिस भी बैंक से पेमेंट करोगे ये आपके एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप नेट बैंकिंग से ट्रांजेक्शंस करोगे तो आपको डिस्काउंट रेट जो है वो 30 रुपीज मिलेगा, आई थिंक, आप कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद यहां पे आप नोट डाल सकते हो HP TAT। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप एज इट इज ऐसे ही रहने दें, यहां पे आप इंडिया कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं वीडियो आराम आराम से इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अब आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जिससे भी आपको पेमेंट करनी है वो आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, यदि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हो तो आपको आई थिंक 30 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो।
फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपके केस में डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है चूज कर सकते हो, और जिस भी बैंक का आपके पास कार्ड अवेलेबल है डेबिट, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका कार्ड नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये एंटर करना होगा। उसके बाद आपके जो कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो आप यहां पे मेंशन करें कब की है, और सीवीवी नंबर जो होता है वो कार्ड के बैक साइड पे होता है, वो नंबर आपको यहां पे एंटर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एंटर करने के बाद आपको सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आप जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर करें, और जैसे ही आप एंटर कर दोगे आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और जैसे ही आपकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो आपका जो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस है वहां पे पेमेंट के बाद एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद आप अपना जो प्रिंट आउट भी ले सकते हो कन्फर्मेशन। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप बड़े ही आसानी से अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो टैट का किसी भी स्ट्रीम्स के लिए। फ्रेंड्स, अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ जस्ट आपको ये डेमो वीडियो बनाकर दे रहे थे। फिर भी यदि आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट करें, हम डेफिनेटली आप सबकी हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आप सबकी सुविधा के लिए एचपी टैट और कमीशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकते हैं उसके लिए एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप और टेलीग्राम। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हो। फ्रेंड्स, हमें आप सबके सपोर्ट की जरूरत है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल यानी कि आरएसबी टेक इन्फो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड हो या नोट से रिलेटेड हो, तो वो वीडियो एकदम आपके पास पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, आरएसबी टेक इन्फो की तरफ से आप सबको टैट के लिए ढेरों शुभकामनाएं। इस बार आप सभी का टैट अच्छे मार्क्स में क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।